नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में आते हैं। जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो हर एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। अभी ग्रुप डी का रेलवे का एग्जाम होने वाला है, रेलवे में तो जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, 25 नंबर की आती है। तो यहाँ मैंने 500 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट रिवीजन के तौर पे ये एक वीडियो है आपके लिए। अब यहाँ आज की जो वीडियो है इसमें हम जनरल साइंस में ओनली भौतिक विज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, आगे के वीडियो में हम केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज हम देखेंगे ओनली भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कार्य का मात्रक क्या है। यूनिट वाली जो यूनिट है फिजिक्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कोई भी एग्जाम होता है यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो कार्य हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, तो ल्यूमेन होते हैं ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। नेक्स्ट देखते हैं क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी होती है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो पदार्थ के वेग, संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो पाता है, तो ये होता है तृतीय नियम के कारण। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो ये संवेग संरक्षण के नियम पे आधारित होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है, तो विश्राम जड़त्व होता है। इसी तरह जैसे आप अगर बस में चल रहे हो तो जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है तो झटका लगता है, या चलती बस जब रुकती है तब आदमी को क्या लगता है, झटका लगता है, तो वो भी इसी वजह से होता है, विश्राम जड़त्व की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीन की सफाई के लिए यदि उसे घड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो उसमें होता है गति का नियम। नेक्स्ट देखते हैं समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग है वो ऊपर रहता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो ये है पास्कल के नियम का। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। जेट इंजन है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, तो ये रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो वो होती है 3600 किलोमीटर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है, तो वो होता है 1/6 भाग। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, रिवीजन वीडियो है, आपको रिवीजन करना है तो आपको फास्ट ही करना होगा, तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत फास्ट हो रहा है तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाके आप उसकी स्पीड को कम कर सकते हो, तो आप स्लो देख सकते हो, और जिनको स्पीड से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो नॉर्मल स्पीड पे देख सकते हैं। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो ये पलवन के नियम से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था न्यूटन ने। कौन सा 1 किलोग्राम के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है, तो ये होता है 9.8 न्यूटन। एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है, तो 746 वॉट के बराबर होता है,
746 वोट के बराबर। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो ये तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो ये है 45 डिग्री एंगल से आप फेंकोगे तो ये अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम तो न्यूटन ने दिया था, लेकिन न्यूटन से पहले भी ये बात किसी ने बताई थी, वो थे ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि जो ये वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती हैं सारी वस्तुएं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो क्रिकेट की गेंद को किस एंगल से मारा जाना चाहिए? तो क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए मारना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी तक जा सके। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने दिया था सबसे पहले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये पिघला दिया था डेवी ने। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस वजह से, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होने के कारण। वायु ताप युग्म तापमापी तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो थर्मोकपल थर्मोमीटर है, ये सीबेक इफेक्ट पे काम करता है, सीबेक के प्रभाव पे, जो इफेक्ट सीबेक ने दिया था। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पैरामीटर है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये स्टीफन के सिद्धांत पे। थर्मोकपल पायरोमीटर है, वो सीबेक के इफेक्ट पे काम करता है, और टोटल रिफ्रैक्शन पायरोमीटर है, ये स्टीफन के नियम पे काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉरी थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के कारण तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ये विकिरण पूर्ण विकिरण ताप उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है, या हम कह सकते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य हो गया, इनका ताप हम टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के थ्रू ही मापते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 34 क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापियों में एक ही होते हैं? कहने का मतलब है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान कब बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान है वो बराबर होता है। या आप कह सकते हो कि -40 डिग्री सेल्सियस है वो बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। आप देखोगे कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, ये बदलने वाले क्वेश्चंस हैं, ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन है वो यूनिट वाली, यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसमें यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बहुत अच्छे से देख के जाना, एक फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूले से ये सारे याद हो जाएंगे, निकालना आना चाहिए, आपको रटने नहीं है ये सारी चीज़ें। तो सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट है वो किसके बराबर होता है? तो -32 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस के कितने बराबर हो जाएगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जैसे मिली सेकेंड्स हो गया, माइक्रो सेकेंड्स हो गया, इनको मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? परमाणु घड़ियों का यूज करते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में बताओ। तो अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 60 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट में ये मान कितना हो जाएगा? तो ये 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। पानी का घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? पानी का घनत्व वो किस ताप पर अधिकतम होता है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वो पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है।
साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो ऊष्मा के कारण, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं ऊष्मा की वजह से। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला होता है तो झील के अधः स्थल में जल का तापमान कितना होता है? तो मैक्सिमम होता है, जल का तापमान कितना होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका दाब उस टाइम पे मैक्सिमम होता है, तो इसका ताप दाब मैक्सिमम कब होता है? जल का घनत्व मैक्सिमम कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इस यहाँ का जो, जब ये जमने वाला होता है उस कंडीशन में ये -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो चालन विधि में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आप नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है, द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो द्रवों और गैसों में सहवन विधि द्वारा होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो ये विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। सूर्य की किरण हम देखते हैं, विकिरण के माध्यम से आती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण विधि में हमें कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हो जाएगा, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं तो वो कौन सी है? तो वो होती है विकिरण। इसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं विकिरण विधि में। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संप्रेषण है वो सहवन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो ये कर अवरक्त किरण है वो कर देती है सूर्य कुकर को। सूर्य विकिरण की अवरक्त किरण है, उसकी वजह से जो सोलर कुकर का भाग है वो गर्म हो जाता है। धूप से बचने के लिए छाते के जो संयोजन रंग कौन सा होता है, छाते के कलर होते हैं वो किस तरह का लेना चाहिए हमें धूप से बचने के लिए? तो ऊपर का कलर है वो वाइट कलर का होना चाहिए और अंदर का है वो काला होना चाहिए, नीचे का काला होना चाहिए। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस प्लासक की दीवारों पर कलई की जाती है? तो ये विकिरण विधि से की जाती है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका गलनांक है वो घटने लगता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक है वो घटने लगते हैं। चावल को पकाने में कहाँ सबसे ज़्यादा समय लगता है? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे टेम्परेचर घटता जाता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है? तो ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी द्रव का उस क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा की परिकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? तो ये मिलती है पहले नियम से, ऊष्मा गति के पहले नियम से। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना हो जाता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये सेल्सियस का सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना हो जाता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 डिग्री केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ये 300 केल्विन के बराबर होता है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ये केवल उच्च तरंग दैर्ध्य किरणों को ही अवशोषित करती है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार होने पर ठंडा महसूस करते हैं? तो जब साफ मौसम होता है तो सर्दियों में हमें ठंड महसूस होती है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण है वो जल ठंडा रहता है। प्रासर्वीय तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो ये गाल्टन ने किया था। नेक्स्ट है, ध्वनि का तत्व पिच किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये प्रासर्वीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो ये 20 हर्ट्ज तक होती है, 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है।
लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो लोहा में, लोहा क्या है, ठोस पदार्थ है, तो ठोस में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी और कोई ध्वनि पतली होती है? तो वो किसकी वजह से होती है, पिच की वजह से होती है, जिसको तारतव्य बोलते हैं हिंदी में। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तब सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में गठित नहीं होती है? तो ध्रुवण की जो प्रक्रिया है वो ना प्रकाश में होती है ना ही ध्वनि में होती है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ये सिर्फ 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनित उत्पन्न करती हैं? तो ये परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, जो आवाज़ वापस रिटर्न होकर आती है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो जब अपनी ही प्रतिध्वनि सुनना चाहता है तो उसको कहाँ, जहाँ से परावर्तित होकर ध्वनि वापस रिटर्न होकर आ रही है, तो वहाँ से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? तो वहाँ से 56 फिट की दूरी पर खड़ा होना चाहिए, तब हमारी खुद की प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो स्टेथोस्कोप है वो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी, सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का, ये अवरक्त तरंगों का प्रयोग है वो रात्रि दृष्टि के लिए किया जाता है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जबकि ध्वनि का वेग है वो 332 मीटर पर सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी हो जाएगी? तो वायुयान की चाल कितनी हो जाएगी, 332 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 664। नेक्स्ट हो जाएगा, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो लोहे में अधिकतम होती है, ये रिपीट हो गया, ठोसों में अधिकतम होती है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्व्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो वो किस में किया जाता है, सोनोग्राफी में हम देखते हैं प्रासर्व्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी तरंगे सुनने में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो वो है ध्वनि तरंगे। जब उपकरण, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सोनार। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या प्रतिस्पादित किया गया था? तो ये हाइगेंस के द्वारा किया गया था, हाइगेंस के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ये होती है ध्रुवण के कारण, ध्रुवण के आधार पर। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो ये की थी मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का वितरण होता है? तो ये सबसे पहले ग्रेमाल्डी ने दिखाया था। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में गठित नहीं होती है? तो ध्रुवण की घटना है वो ना ही प्रकाश में होती है ना ही ध्वनि में होती है। कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत है ये करता है प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 1 सेकंड लगता है, कंप्लीट 1 सेकंड नहीं लगता है, लगभग 1 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा को तो लगभग 1 सेकंड लगता है, लेकिन सूर्य को लगभग कितना लगता है? तो 9 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति होती है 3×10^8 ms/s। ये 10^10 है, ये इस तरह से है, 10^8 लिखा हुआ है, तो 3 इंटू
10^8 है ये मिली सेकेंड। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट भाग दिखाई देता है, कोरोना दिखाई देता है सूर्य का। नेक्स्ट है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवर्ती के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। किसके कारण आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है, तो ये प्रकिरण के कारण, स्कैटरिंग के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो ये भी स्कैटरिंग के कारण ही देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है, तो इसका कारण होता है परावर्तन। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप बनाने के लिए। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हेडलाइटों में परावलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वो वास्तविक और उल्टा बनता है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कहाँ तक क्या होती है, तो वो अनंत तक होती है। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा है, तब उसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो वो 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं, तो ये किस प्रकार की किरणें होती हैं, समानांतर किरणें होती हैं। डायोप्टर किसकी इकाई है, तो डायोप्टर है ये लेंस की क्षमता की इकाई है, लेंस की क्षमता की। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो ये श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलके बना होता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य वो सबसे ज़्यादा होता है। सूर्य की किरणों में रंग कितने होते हैं, तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता, अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से हम जब आकाश के, अभी तो नीला दिखाई देता है, वायुमंडल नहीं होता तो कैसा दिखाई देता, काला दिखाई देता। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह होता है, तो फिल्म वाला भाग जो होता है वो आँख की रेटिना की तरह होता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, तो कैमरे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है, तो ये रेटिना पे बनाती है। मानव की आँख में जो कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, तो वो होती है आयरिस के द्वारा। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है, तो उसको निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, तो उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए फिर सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है,
वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होता है, तो वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है। और दूरदृष्टि दोष के लिए हम चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं, तो उत्तल लेंस लगाते हैं। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है, तो वो करता है आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है, जिसमें छोटे छोटे पुर्जे दिखाई देते हैं। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है, तो वो होता है प्रकाश तरंग की फॉर्म में। जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, तो ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वो लाइट होती है, ये जो प्रकाश तरंग होती है वो ट्रांसमिट होती है। कांच में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, तो वो कर सकता है क्रूक्ष कांच। प्रकाश के प्रकारों में से किन का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो नीला और लाल रंग का। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में से होकर गुजरती है, तब कौन से प्रतिपरितर्त्य प्रभावित होते हैं, तो केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग प्रभावित होते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का कर रहे थे और निकट दृष्टि के लिए कॉनकेव लेंस का करते हैं। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो अवतल लेंस है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल्स किस सिद्धांत पे काम करती हैं, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो वो होती है कांच के बीच से। किसी तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, कौन सी तिथि को दोपहर को सबसे छोटी छाया होती है, तो वो होती है 21 जून को, सबसे बड़ा दिन होता है ना। फोटोन किसकी मूलभूत 21 जून को दिन रात बराबर होते हैं ये। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है, तो ये है प्रकाश की। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किसके की जाती है, कोई भी विकिरण है उसके कण की जो प्रकृति है उसकी पुष्टि किससे की जाती है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सिलेंड्री लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो रेक्टिफायर के द्वारा। एसी को डीसी में, हम एसी करंट को डीसी करंट में बदलते हैं रेक्टिफायर का यूज करके। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। ट्यूबलाइट में वह ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परावर्तित होता है, तो 60-70% भाग है वो प्रकाश में परावर्तित हो जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक का आविष्कार। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है, तो वो है 10^6 ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी हुई होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी हुई होती है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे अर्धचालक कहते हैं। स्थिर वैद्युत अवक्षेपितर का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो इन्हें डोमेन कहा जाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, तो ये टिकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया जाता है, तो ये जनरेटर को बनाने में किया जाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर। जिस तत्व में परमाणु में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन
और दो इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो उसका द्रव्यमान संख्या होता है 4। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये मंदक के रूप में किया जाता है। कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स-रे किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। परमाणु बम में विस्फोट भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण निकलती है। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है, ताकि उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाया जा सके। तो सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं, वो किस लिए करते हैं, अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं, तो विद्युत की चालकता को बढ़ाने के लिए। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं, तब किस प्रकार का अर्धचालक बन जाता है, तो वो एक्सटर्नल या बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम पे शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था राइट ब्रदर्स ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का नॉल और रुस्का ने किया था। मेडिकल डॉक्टर्स एवं व्यवसायिकों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये सोनार का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो इसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग है, वो चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है, तो एस चंद्रशेखर के सम्मान में। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु को। पाइरोमीटर किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उच्च तापमान को मापने के लिए। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए करते हैं, तो इसका प्रयोग एक्सरेज की किरणें हैं उत्पन्न करने, एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार एकर्ट एंड मॉर्सली ने किया था। तो फिजिक्स से बनने वाले सारे के सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान से बनने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अब तक के आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह के आगे भी आपको वीडियोस देखती रहनी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी तक आप बने हुए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इसके अलावा आपको ये PDF या जो वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाती हूँ, कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स हैं, वो मैं शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें PDF पाने के लिए। इसके अलावा कुछ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट होती हैं, कोई एडमिट कार्ड से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, तो मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से बताती रहती हूँ, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।